हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रह्मास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ब्रह्मास का फर्स्ट डे कलेक्शन पूरे वर्ल्ड वाइड में 75 करोड़ रुपए हो चुके हैं। इससे बायकॉट वालों की जल रही होगी, क्योंकि बायकॉट वाले ने बहुत कोशिश की थी कि ये फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर हो, बट उनके लिए बड़ी अफसोस की न्यूज़ ये है कि 75 करोड़ रुपये वर्ल्ड वाइड फर्स्ट डे कलेक्शन आ गया, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मीना के शायद 55-52 करोड़ रुपए ही हो पाएंगे, जो उनकी उम्मीद थी, पर उनकी उम्मीद से भी ऊपर आई है। और जैसे कि इस फिल्म को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं और भर भर थिएटर में देखने जा रहे हैं, तो बायकॉट वालों के लिए काफ़ी बुरी खबर है। और ये बॉलीवुड के लिए बहुत ही अच्छा साइन अप है, क्योंकि बहुत दिनों से बॉलीवुड की कई फिल्में आ रही हैं जो बुरी तरीके से फ्लॉप हुई, बहुत ही लंबे लंबे के बजट फिल्में आई हैं, बट ब्रह्मास्त्र ने उन लोगों को राहत की सांस जरूर दी होगी। और स्पेशली करण जौहर को, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा उनके पीछे लोग पड़े हैं। मैं आपसे पहले कह रहा था, अगर फिल्म में स्टोरी होगी, कहानी होगी, तो पब्लिक जाएगी। बायकॉट वाले कुछ ही लोग हैं जो वो हमेशा चिल्लाएंगे, वो हर फिल्म के लिए चिल्लाएंगे। पुरानी पुरानी वीडियो एक्टर्स की निकाल निकाल के वो उनको बायकॉट करने पर लगे हुए हैं। तो फिलहाल ये फिल्म का जहाँ जहाँ भी रिव्यू आ रहा है, तो वो रिव्यू बहुत अच्छा आ रहा है। कुछ रिव्यू जो बहुत ही बुरा आ रहा है, ये वो लोग हैं, और बहुत बड़े बड़े क्रिटिक्स जो हैं, जो इसको डिसअपॉइंटिंग बोले हैं, बहुत बड़े बड़े, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, बट वो लोग एक नंबर के दो कौड़ी का रिव्यू देने वाले हैं। वो पैसे पे रिव्यू देते हैं उनका। आप कोई भी रिव्यू उठा के देख लो, उनका रिव्यू परफेक्ट होता ही नहीं है। जिस भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उनको पैसे खिलाए हैं, वो फिल्म जबरदस्त होती है। बाकी फिल्म अगर जो आएगी, उसको वो बुरा बोलेंगे ही बोलेंगे, पर घंटा फर्क नहीं पड़ता उनके बोलने से, क्योंकि पब्लिक उनको अच्छे तरीके से जानती है। ये 2 करोड़ का आदमी पैसा लेके ही